कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में ओलंपियन भारतीय हॉकी खिलाड़ी का हुआ सम्मान समारोह। जापान टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीतकर देश की झोली में डालने का काम किया। भारतीय हॉकी पुरुष टीम में हरियाणा के मात्र दो खिलाड़ी खेल रहे थे, जिसमें कुरुक्षेत्र के खिलाड़ी डिफेंडर सुरेंद्र पराड़ का कुरुक्षेत्र पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। ओलंपिक खिलाड़ी सुरेंद्र पराड़ को शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी सम्मानित किया गया। वहीं कुरुक्षेत्र के सेक्टर 10 स्थित द्रोणाचार्य स्टेडियम में पहुंचने पर थानेसर विधायक सुभाष सुधा, कुरुक्षेत्र उपायुक्त मुकुल कुमार, प्रशिक्षक गुरविंदर सिंह और जिला कुरुक्षेत्र की जनता ने जोरदार स्वागत किया। मैं यही चाहता हूं, मैं शुरू से यही बोलता आया हूं कि जिस भी फील्ड में है, कोई भी है, चाहे प्लेयर्स की फील्ड में है या स्टडी की फील्ड में है, जिस भी स्पोर्ट्स को आप कर रहे हो उसको पूरे दिल से करो, मतलब लगन से करो उसको, मतलब टाइम पास के लिए मत करो, जिस भी आप फील्ड में हो। तो मैं युवाओं को यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी, जैसे नीरज चोपड़ा का भी गोल्ड आया, इन प्लेयरों को सभी देख के अपने आप को प्रेरणा लें कि हाँ हम भी ऐसे बन सकते हैं, क्योंकि हम भी ऐसे ही देखते थे टीवी पे किसी को कि हाँ ये प्लेयर है तो हमें भी अपना इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। तो उस चीज़ को देख के आपको मेहनत करनी चाहिए और आगे सक्सेस होना चाहिए। इस मौके पर स्थानीय विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि आज पूरे कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भारत का नाम हरियाणा के इस लाल सुरेंद्र ने रोशन करने का काम किया। इनकी इस उपलब्धि पर उन्हें ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि पलवल में 20 एकड़ की जमीन पड़ी है, उसका कुरुक्षेत्र में द्रोणाचार्य स्टेडियम के साथ लगती जमीन पर स्टेडियम बनाकर खिलाड़ी सुरेंद्र के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रपोजल को लेकर मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर के पास भी जाएंगे और इस कार्य को सार्थक करवाने में पूरा प्रयास करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि खिलाड़ी सुरेंद्र हरियाणा प्रदेश और भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करके आए हैं, उन्हें अच्छी पोस्ट दिलवाने का काम भी किया जाएगा। देखिए, सर्वप्रथम क्षेत्र की भूमि का नाम रिकॉर्ड के अंदर भाई सुरेंद्र ने चुकाया है, उसके लिए आज हमने स्वागत समूह बुलाया था, मैं उनका स्वागत करता हूँ। पूरी टीम आई है तो मैं इनका बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। आपने जो स्टार्टअप की बात करी भाई सुरेंद्र ने, उसके लिए मैंने दो दिन पहले आपको 101% स्टार्टअप यहाँ पर बढ़ेगा, यह मैं आपको शेयर। थैंक यू सर। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।